चलिए बच्चों, तो जल्दी से लाइव आइए। मैंने कहा जल्दी से लाइव आइए, मैंने कहा था 2 मिनट के बाद शुरू कर रहे हैं भाई। जल्दी से आ जाओ फटाफट से भाई, लाइव आइए, क्लास को शुरू कर रहे हैं हम लोग। पांच मिनट का टाइम दो, आप कहाँ गायब हो जाते हो? पांच पांच मिनट का टाइम दो, आप कहाँ गायब हो जाते हो? तो स्टूडेंट, एक बार फिर से ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आपको बस 2 मिनट का टाइम दिया था मैंने, और कहाँ गायब हो गए आप लोग? ना 5 मिनट का टाइम हो गया है, तो जल्दी से क्लास में वापस आ जाइए। क्लास को शुरू करने वाले हैं हम लोग। नहीं, आज बैठ के करूंगा ये काम भी। थोड़ा सा वेबसाइट में बेटा कुछ चेंजेस करवाए हैं, तो वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद आज हो जाएगी। तो करूंगा, इन सब पेपर को मैं अपलोड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्दी से लाइव आ जाइए, जितने लोगों को छोड़ के गया था मैं, जल्दी से लाइव आइए और हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला सवाल आप लोगों के सामने है, पहला सवाल आप लोगों के सामने है, जल्दी से उत्तर बताइए भाई। ये सभी, ये जूनियर इंजीनियर सभी के लिए, ये जूनियर इंजीनियर सभी के लिए है, ये स्पेशली कोई पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ये स्टूडेंट सभी के लिए है। सही उत्तर बताइए, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। एफिशिएंसी कब ज्यादा होती है? द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन, तो क्या है? देखिए इसमें कहीं ढूंढिए, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, और वेरिएबल लॉस हम लोग कॉपर लॉस, और कांस्टेंट लॉस मींस आयरन लॉस। तो फर्स्ट का क्या है? बी। ये भी हमारा डीएमआरसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। इन ए ट्रांसफॉर्मर लॉसेस आर रिड्यूस्ड बाई डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक कोर एंड यॉक। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, तो कौन सा लॉस कम होने वाला है? दूसरे का ए, यानी सेकंड का कौन सा है? एडी करंट, सेकंड का मिलेगा आपको ए। चलिए नेक्स्ट वाला पर चलते हैं। व्हेन ए थ्री फेज सिस्टम इज बैलेंस्ड द न्यूट्रल वायर कैरी। तो अभी देखिए, सब चीजें सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट वाले आप देख रहे होंगे, बस लिखने का तरीका बदला है, लेकिन सवाल लगभग वही है। तो कौन सा है? नो करंट। व्हेन ए थ्री फेज सिस्टम इज बैलेंस द न्यूट्रल वायर कैरी नो करंट, कोई करंट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जवाब देते रहिए आप लोग भी, सो मत जाना यार। नेक्स्ट चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द ट्रांजिस्टर ऑपरेट। सबको पता है कौन से पॉइंट पर ऑपरेट करता है? क्वेश्चन पॉइंट, यानी कि क्यू पॉइंट, जिसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर है? 4 का क्या है? ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ए जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी फ्रॉम कॉयल कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, थर्मल पावर स्टेशन। तो 5 का क्या है? सी, थर्मल पावर स्टेशन। चलिए जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। 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 क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। अभी क्लियर है स्टूडेंट? अभी क्लियर है?
जल्दी से फीडबैक दीजिए, क्लियर है? अभी क्लियर है आवाज वगैरह? मैंने बताया भी है कि आज बाकी कोई लोग नहीं है, सब छुट्टियां मना रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहने वाला है? 0.6 लैगिंग। चलिए, तो कितना है? 0.6 लैगिंग स्टूडेंट। तो हमने क्या करना है, ये 6 है, ये 8, इंपीडेंस जेड बराबर कितना आएगा? 10, और कॉस वाई बराबर आर अपॉन जेड, यानी कि 6/10 मीन्स 0.6 लैगिंग। देखो डायग्राम देखा तो बच्चा डर गया यार, पता नहीं क्या पूछ लिया पेपर में। चीजें आसान पूछेगा, चीजें टफ नहीं है, चीजें आसान ही पूछेगा, चीजें टफ नहीं है। सॉल्व क्या करना है यार, जेड बता, जेड निकालो ना, जेड निकालिए, जेड कैलकुलेट करिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल भी दिया गया है। एक्सएल भी दिया गया है कितना? 8, आर भी दिया है 6, अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस कितना आ जाएगा? 36, कितना आएगा? 10, तो 6/10, इट्स टू सिंपल। अभी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? वन मिनट जरा। अभी क्लियर है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। अभी तो सब क्लियर है। द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इन द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इन एसी सीरीज सर्किट, तो क्या है माय डियर स्टूडेंट? रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इन एसी सीरीज सर्किट, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं इस प्रॉब्लम पर। देखिए अगर ये डायग्राम देखने में किसी को दिक्कत है तो ये डायग्राम और बना दे रहा हूं। डायग्राम गिवन है कुछ ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये इधर एक गेट है, एमीटर है, कलेक्टर है, फिर सी में दिया है ये, और डी में अगेन दिया है डी ड्रेन सोर्स और ये गेट। आपको बताना है पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है। अभी तो क्लियर है यार, मैंने भी चला रखा है, लैंडस्केप में करके देखे, मैंने भी चला रखा है स्टूडेंट यार ना, अब सही चल रहा है अभी ना। तो देखिए पी चैनल का आपको सिंबल बताना है, जनरली पी चैनल का सिंबल क्या है ये। तो वैसे भी देखिए ये और ये तो बिल्कुल नहीं है, क्यों? कलेक्टर एमिटर है, तो फैट में कौन सा? ड्रेन सोर्स और गेट होता है, तो इसमें क्या है? ये दिया गया है, तो ये क्या हमारा पी चैनल के लिए, और ये किसके लिए है? एन चैनल के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सवालों को बहुत अच्छे से करके जाइए इन सिंबल वगैरह को। नेक्स्ट देखेंगे द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाई प्योर इंडक्टिव सर्किट। एवरेज पावर की बात कर रहा है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या? जीरो। प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या रहेगा? जीरो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10th नंबर का सवाल। तो क्या टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ? सबको पता है किस, क्या है? फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी के लिए भी बात करने, इंटेंसिटी के अगर हम लोग देखें एम्पियर टर्न अपॉन एल, यानी कि मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो काफी अच्छा सवाल है, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या है? टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेनेवर इट, क्या व्हेन ए कंडक्टर कट्स ए फ्लक्स, तो पहली ही लाइन में आपको जवाब मिल जाएगा कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, तो 11 का क्या है बी कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देख लो यार इससे आसान क्या चीजें रहेंगी, सबको पता है भाई कि n बराबर 120 f by p है, तो f बराबर क्या pn अपॉन 120, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है क्या ऑप्शन नंबर ए f बराबर pn अपॉन 120 हर्ट्ज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो c बराबर सबको फॉर्मूला पता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन d फेराड, तो क्या है ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा, यार क्लियर सभी को तो दिख रहा है, एचडी मोड में करके देख लीजिए ना, मैंने चला रखा है यहाँ पे सही चल रहा है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, तो 13 का क्या उत्तर रहेगा सी, तो 13 का आंसर मिल जाएगा आपको सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, डायनेमोमीटर वॉटमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो जो डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर है वो दोनों के लिए बोथ एसी एंड डीसी पावर, बोथ एसी एंड डीसी पावर ये दोनों के लिए, लेकिन अगर यहां पर मिल जाता आपको इंडक्शन टाइप वॉटमीटर, तो माय डियर स्टूडेंट इंडक्शन टाइप वॉटमीटर सिर्फ और सिर्फ यूज होता है एसी पावर कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप बोथ एसी एंड डीसी पावर, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द कैपेसिटर इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड किसके लिए यूज होता है, तो क्यों यूज होता है ये, इंप्रूव द स्टार्टिंग टॉर्क, इंप्रूव द स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो इंप्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क, द कैपेसिटर इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज, वैसे ये भी सही है वैसे स्टार्टिंग द मोटर, लेकिन डीएमआरसी ने आंसर की में क्या दे रखा है सी, वैसे ये भी सही है स्टार्टिंग द मोटर, लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करिए स्टार्टिंग द मोटर ना ऑप्शन में देने का कारण क्या था, स्प्लिट फेज है, स्प्लिट फेज में हमने कैपेसिटर यूज नहीं किया लेकिन फिर भी ये स्टार्ट हो गया ना, तो इसीलिए जो बेस्ट वन बनता है यहां से क्या इंप्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जी, 2500 फुल लोड पर कॉपर लॉस है और ये आयरन लॉस है, ये आधे लोड पर पूछ रहा है, आधे लोड पर तो बाकी तो कुछ करना ही नहीं, डिवाइड बाय 4 भी कर दो, आपने क्या करना है डिवाइड बाय 4, तो आपको क्या मिल रहा है 625, और ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो क्या मिल रहा है 1500, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है 16 का सी, तो 16 का क्या मिलने वाला है आपको सी। क्वेश्चन कट रहा है लो चेक कर लेंगे यार, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे ये बात है। अरे भाई आज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, आज मैं अकेला हूं। अभी तो सही हो गया, अभी सही हो गया ना अभी तो, अरे इतना ही था यार, अब मुझे ज्यादा ये जूम वूम करने नहीं आता, आज जो इस काम के एक्सपर्ट है वो लोग छुट्टी पे हैं, वो तो मैं क्लास लेना था इसलिए ले रहा हूँ यार, अभी तो सही है सवाल तो पढ़ पा रहे हो ना। अरे अब तो नेट पैक बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, HD में चलाओ यार।
चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए. द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज्ड फॉर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट. तो आप सभी को पता है मूविंग कॉइल का मतलब क्या है, एडी करंट डैम्पिंग. मूविंग कॉइल में किस तरह की डैम्पिंग है, एडी करंट डैम्पिंग. चलिए जी 18 पर आ जाते हैं. इसको भैया मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन कर लेंगे आप लोग. देखिए आपको करना यह किसके अकॉर्डिंग काम करना है ये मैं बता देता हूँ. E बराबर 4.445 mF N1. तो यहां से E का वैल्यू क्या है 100, 4.445 m. अब देखिए जी फाइव एम का वैल्यू क्या है, फाइव एम यहां से आप कैलकुलेट करेंगे. F कितना दिया है 50 दिया है, N1 कितना है जी 20. तो माय डियर स्टूडेंट यहां से आप फाइव एम कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर है. और भैया फाइव एम कैलकुलेट करके बी एम बराबर फाइव एम अपॉन ए. तो ए बराबर आपको मिल जाएगा फाइव एम अपॉन बी एम. तो फाइव एम यहां से जो कैलकुलेट किया है वो रख देना और बी एम कितना है जी 1 है. तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा. आप देखो रटा हुआ मेरा भी नहीं है तो आप सॉल्यूशन करके देख लेना. तरीका यही है, यहां से फाइव एम का वैल्यू सिंपल है. चलिए अगर किसी बच्चे को यहां से भी दिक्कत है तो ये भी लिख देता हूं. कुल मिला के आपका उत्तर आएगा 100/4.44 50×20. ये कर लेना भाई, तो 1/4.44 देख लेना. आई थिंक फिर बन जाएगा ये 0.225 m² के लगभग. देख लेना आप कैलकुलेशन करके, तो ये हो जाएगा 18. चलिए जी 19 नंबर के सवाल पर आ जाइए. अभी सब सही दिख रहा है? हाँ हाँ बहुत इजी है. ये DMRC में आया था क्या फर्स्ट शिफ्ट में? अरे ये सारे भाई ये DMRC की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके मैंने टाइप कराए हैं, तो ये सब आ चुके हैं. इन ट्रांसफॉर्मर इज फाउंड बाय द शॉर्ट सर्किट टेस्ट. शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या मिलेगा? कॉपर लॉस मिलेगा. चलिए जी 20 पर आ जाए. द सेडेड पोल मोटर इज यूज्ड. क्या सेडेड पोल मोटर लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन. लो स्टार्टिंग टॉर्क सेडेड पोल मोटर कहां पर यूज होगा? लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन. साथ के साथ में यह ध्यान देना है कि सेडेड पोल मोटर की जो डायरेक्शन है वो अनसेडेड पोर्शन, जैसे कि ये हम लोग ले रहे हैं ना ये, तो यहां पर ये है सेडेड पोर्शन, ये ना सेडेड पोर्शन बना हुआ है, तो इधर से इधर होगी अनसेडेड पोर्शन टू सेडेड पोर्शन. इसकी चलने की दिशा रिवर्स नहीं की जा सकती, इतना भी दिमाग में रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 21 ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव एज. तो सबको पता है ये कैपेसिटर, बस नाम बदलता जा रहा है यार, काम वही है. क्या है कैपेसिटर? ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव एज ए कैपेसिटर. चलिए नेक्स्ट देखिए. स्टार्टिंग करंट पढ़िए और जवाब दीजिए. स्टार्टिंग करंट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिड्यूस टू सेफ वैल्यू बाय इंक्लूडिंग. तो इसको काट के ये है भैया, गलत से टाइप हुआ है रोटर सर्किट. क्या 22 का सही जवाब दीजिए. आज मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, मैं रियलिटी बता दूं आप लोगों को कि बढ़िया इन द सेंस कि आज बच्चे फालतू की जो बातें ना वो बिल्कुल नहीं कर रहे. भले कम स्टूडेंट है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान है सबका. जो भी आ रहा है फालतू की कोई चीजें नहीं है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों पर ही डिस्कस है कि ये इसका ये ऑप्शन है, इसका ये ऑप्शन है. तो ऐसी क्लास में मजा आता है फिर ना. ए ए ए वेरी गुड वेरी गुड. रजिस्टर इन रोटर सर्किट एट स्टैंड ऑफ स्टार्टिंग. तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? रजिस्टर इन रोटर सर्किट एट स्टैंड ऑफ स्टार्टिंग. क्लियर है. तो 23 पर आ जाइए. अब चलिए 23 भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी हमारा DMRC फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है. जवाब दीजिए जी, जवाब दीजिए. एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ए लोड ऑफ. अल्टरनेटिंग किसको सप्लाई कर रहा है? 400 किलोवाट को. और पावर फैक्टर क्या है? 0.8 है. यदि पावर फैक्टर को बढ़ा के हम लोग यूनिटी कर दें तो और कितने ज्यादा किलोवाट को सप्लाई कर सकता है? जल्दी से उत्तर बताइए मेरे बच्चों, जल्दी से जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 23.
और आप सभी लोगों को ये बता दूं कि इसके जस्ट बाद, इस क्लास के जस्ट बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी एक दिन पहले नोटिफिकेशन मिल जा रहा होगा, आजकल तो 500। अरे हाउ मैनी मोर यार, हाउ मैनी मोर, और ज्यादा 400 तो पहले है, आप कह रहे 500 यार। सी 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 वाले बच्चों का सही उत्तर है वैसे ना, 100 किलोवाट सी वाले का सही है, 23 केवी। देखो आप मुझे एक बात बताइए, यहां से आप 400 किलोवाट है, कॉस फाइव बराबर किलोवाट अपॉन केवीए, तो केवीए बराबर किलोवाट हाउ मच 400 0.8, तो कैंसिल हो गया, कितना मिल रहा है 500 केवीए, 500 केवीए है। अब देखिए नया पावर फैक्टर हाउ मच, यूनिटी मीन्स 1, तो केवीए कितना 500, किलोवाट अपॉन कॉस फाइव कितना 1, तो किलोवाट कितना हो गया जी 500। तो पहले कितने को सप्लाई कर रहा है 400, अब कितने को सप्लाई करेगा 500, तो हाउ मच, हाउ मैनी मोर ना, तो 500 में से 400 को घटा दीजिए तो कितने को ज्यादा कर रहा है, 100 किलोवाट को ज्यादा कर रहा है, तो क्वेश्चन 23 का सही उत्तर मिलेगा सी। इस तरह के सवालों को करने की आदत बनाइए और सवालों की लैंग्वेज को समझिए। ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब यही है कि कितना अच्छे से आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। 24 पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वॉटमीटर कंसिस्ट, बहुत सिंपल ना, इलेक्ट्रोडायनोमीटर 2 करंट कॉइल होती है और 1 प्रेशर कॉइल होती है, 2 करंट कॉइल है और 1 प्रेशर कॉइल है। ऑलरेडी ये हम लोगों ने मेजरमेंट की मैराथन क्लास में डिस्कस किया है। चलिए जी, फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड यूजिंग, फ्रीक्वेंसी किससे मेजर करते हैं, वेन ब्रिज से फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 6 ओम, ये दिया है 2 ओम, तो आपने वैल्यू बतानी है जी सही क्या है। तो हमने देखा ये एक्चुअली, चलो ये ए बी एंड सी, ए और बी, ए बी, ए बी और सी, चलिए आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए जी, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो जब यहां पर वैल्यू लिखेंगे तो आपको पता है तरीका, 4 + 2 + 4 × 8 अपॉन 6, ये तरीका है। तो ये आपका अब वैल्यू यहां पर मिल जाएगा, मैं पूरा सवाल लिखवा रहा हूं, यहां जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 + 6 + 2 × 6 मतलब 12 अपॉन में 4, क्लियर है, तो कितना हो गया 3, 6 और 2 8 और 3 11 ओम तो आ गया जी ये, ठीक है। अब चलिए यहां इसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग, 6 + 4 + 24 / 2, तो कितना हो गया 12, 12 और 6 4 10 यानी कि 22 ओम हो गया ये, ठीक है जी, 22 ओम हो गया ये। तो आई थिंक इसके जो सही मैच करेगा आर ए सी, ये टर्मिनल मैंने अपनी तरफ से मान लीजिए ना, तो आप ऑप्शन के चक्कर में मत पड़े, टर्मिनल मैंने अपने आप से लिए ए बी सी, उसने पता नहीं क्या मान रखा है डायग्राम में, तो आप इसको सॉल्यूशन कर लेना, तो ये आपको सही उत्तर देगा। यहाँ 11 देगा, ये 22 देगा, और इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1.33, तो 4 × 2 = 6 यानी कि 7.33 ओम। तो यहाँ वाला रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ वाला ये और यहाँ वाला रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप, क्लियर है। तो अब देख लीजिए आपको सही उत्तर क्या मिल रहा है, उसमें से देख लेना अपना। सॉल्यूशन मैंने करवाना था क्योंकि मैंने टर्मिनल इसमें डायग्राम में कॉपी करना भूल गया, तो मैंने अपनी तरफ से सॉल्यूशन करवाया है। बायोपोलर जंक्शन, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए क्या, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। बायोपोलर ये भीम कुमार पटेल जी कह रहे हैं मेरे लिए नया है, तो बेटा आपने आपके लिए अगर नया है तो आपने इसका मतलब ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल एक भी क्लास नहीं देखे, और मैंने पहले ही आज मैंने कम्युनिटी टाइम में भी ये दिया है, अगर कोई बच्चा रियल में कोई अच्छे से तैयारी करना चाहता है ना
तो पहले इन चीजों के चक्कर में ना पड़ गए ना, सीधे लेक्चर नंबर 1 से देखें वीडियो को, बेसिक की वीडियो देखें और तब एक एक सीक्वेंस में देखकर आए ना वीडियो, और यहां से अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कम से कम यार बेसिक आइडिया लेकर आप आए ना, आप कंपटीशन देने के लिए जा रहे हैं। तो बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस और फैट और मॉस्फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। अभी इससे पहली क्लास में एक बच्चा कह रहा है सर वोल्टेज सोर्स में तो सीरीज में कनेक्ट होता है, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। अरे भाई वोल्टेज सोर्स और वोल्टमीटर दो अलग अलग चीजें होती है। वोल्टेज सोर्स में गलत कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो आप लोग ना, वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और वोल्टमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल या संट में होता है। तो ये चीजें बढ़िया से करिए भाई, इन चीजों को जो बेसिक चीजें हो तो पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड अकर्स व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज क्या, आरएल बराबर आरटीएच, व्हेन आरएल बराबर आरटीएच। क्लियर 28 का क्या है सी, 28 पर चलिए। बुक इज रिले इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ, सब बच्चों को इलेक्ट्रिकल वालों को सबको रटा हुआ है, किसके लिए ट्रांसफार्मर के लिए। चलिए 30 पर, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइड, किसके लिए इंसुलेशन एंड कूलिंग। आपका DFCCL के पेपर में सारे सवाल यहीं से आएंगे, लेकिन कितने अच्छे से आप करके जा रहे हैं डिपेंड ये करेगा। 31 मैगर किसके लिए, हाई रेजिस्टेंस के लिए, ये तो रट्टा मार रखे सबने। मैगर इज नॉर्मली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, तो मैगर किसके लिए, हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा। चलिए ये सवाल बहुत बढ़िया है, बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम लाइन वोल्टेज आर, तो बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम देखिए इसकी बात कर रहा है स्टूडेंट, ये वी आर है, वी वाई और वी बी, तो लाइन वोल्टेज जब निकालेंगे वी वाई तो हम लोग इसको कहेंगे ना लाइन वोल्टेज, तो ये कह रहा है कितने आगे 30 डिग्री आगे, तो क्या उत्तर है 30 डिग्री। ये कह रहा है कि लाइन वोल्टेज फेज से कितना आगे, ये क्या कहलाती है फेज वोल्टेज, ये क्या कहलाती है लाइन वोल्टेज, कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। चलिए जी 33 पर आ गए हम लोग, द ब्रिज वाइडली यूज फॉर कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर, पढ़ाया है आप लोग ऑलरेडी मेजरमेंट में, हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज, द ब्रिज वाइडली यूज फॉर कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर मेजरमेंट इज हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। 34 स्टैंडर्ड वायर गेज यूज फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी थिनर देन, तो इसका सही उत्तर है ये 8 स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG means स्टैंडर्ड वायर गेज। चलिए 35 पर पहुंच गए हम लोग, द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में क्या कर रहा है, एसी को डीसी में बदल रहा है, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, क्योंकि आर्मेचर में हमेशा एसी ही इंड्यूस्ड होगा, कम्यूटेटर की वजह से उसको हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे। चलिए जी 36 पर आ जाते हैं, एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट ऑफ 50 वोल्ट 100 वोल्ट बल्ब, तो पी बराबर सबको पता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर बराबर 100 × 100 अपॉन पी, कितना 50, यानी कि 200 ओम, तो सही उत्तर क्या है बेटा 36 का बी। चलिए 37 पर आ जाते हैं, देखिए लिखा गया है अलग अलग से, आपको बताना है कि बैलेंस्ड होने के लिए कंडीशन क्या है, तो बैलेंस्ड होने के लिए जब तीनों करंट क्या जीरो, आर वाई और बी का जो सम है आपको जीरो मिल जाए, तो ये बैलेंस होने की कंडीशन को बताता है, ये बैलेंस होने की कंडीशन को बताता है। आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं यार, है? या आप लोग भी थकान मान रहे हो आज। देखिए बस कल ऑफ रखेंगे, और कल ऑफ रखेंगे इसके लिए ही एक क्लास मैं ले चुका हूँ 100 क्वेश्चंस की, एक ये खत्म करता हूँ, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेता हूँ, तो आप क्या कल के लिए मैं आज ही मेहनत करके जा रहा हूँ। फिर अगर 8 तारीख को मेरा वापस आना हुआ तो 8 तारीख को फिर हम लोग ऐसे ही रिदम में क्लास लगाएंगे, 9 को क्लास लगाएंगे, 10 को क्लास लगाएंगे, 11 को बढ़िया से आप पेपर दीजिए।
क्लियर है। और 11 को पेपर देने के बाद ये खुशखबरी आनी चाहिए कि सर बिंदास हुआ पेपर एकदम ना, कभी आ रहे सर ये हुआ वो ना, बढ़िया होना चाहिए पेपर। चलिए 38 पर पावर ड्रॉ बाय थ्री फेज बैलेंस लोड, तो कितना थ्री फेज बैलेंस लोड की बात कर रहा है, कितना P बराबर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, यूनिट क्या है हमारे वॉट। 39 द मोटर यूज ए मिक्सर ग्राइंडर, तो क्या है यूनिवर्सल मोटर। 39 का क्या है ए यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 40 द कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन डोमेस्टिक कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, क्या वॉट आवर मीटर, क्या रहेगा वॉट आवर मीटर। 41 की बात करें द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी सर्किट ब्रेकर इन द पावर सिस्टम, तो देखिए क्या बेसिक फंक्शन क्या है, या तो बनाना सर्किट को या सर्किट को ब्रेक करना है, तो मेक करना या ब्रेक करना, तो 41 का क्या है ए। चलिए स्टूडेंट 42 पर आ जाते हैं। 42 कह रहा है कि KVL जब हम यूज करते हैं तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप और EMF क्या होना चाहिए, तो डायरेक्ट थ्योरी दिया यार, कुछ स्पेशल दिया ही नहीं है, तो थ्योरी क्या है इन एनी लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू जीरो, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पर आधारित है, क्लियर। चलिए स्टूडेंट 43 पर आ जाते हैं। इन नॉर्टन थ्योरम फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्टन करंट आई एन लोड टर्मिनल को हम क्या कर देते हैं शॉर्ट कर देते हैं, तो कुछ ज्यादा खास नहीं है सवाल में। और देखिए यहां 42 से आगे हमारे ये सवाल शुरू हो जाते हैं जो UPCL मतलब उत्तराखंड का जो एग्जाम हुआ है UK SSSC ने जो करवाया है, तो उसमें जो सवाल पूछे गए हैं, तो उसमें सारे सवाल मैंने इंक्लूड कर लिए, कुछ इस प्रैक्टिस सेट में कुछ नेक्स्ट वाले में है, ऐसे ही सब सवाल आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो भैया अब शुरुआत करते हैं UPCL में जो पूछे गए हैं 2017 में। इन नॉर्टन्स थ्योरम फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्टन करंट आई एन लोड टर्मिनल्स आर, तो क्या अभी बताया मैंने शॉर्ट करेंगे। चलिए जी 44 का जवाब दीजिए। वैसे ये सवाल मैं बहुत बार करवा चुका हूं, तो 7.5 ओम आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन करवा देता हूं स्टूडेंट। यहां क्या लेंगे नोड है, तो यहां क्या ले लिया हमने वोल्टेज VA, इसमें करंट ले लिया I1, इसमें करंट ले लिया हमने I2, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट अप्लाई करें तो 8 बराबर I1 प्लस I2, तो 8 बराबर VA अपॉन 10 प्लस VA अपॉन 10, तो VA बराबर कितना हो जाएगा यहां से जब सॉल्यूशन करेंगे 40 वोल्ट, तो यहां स्टूडेंट क्या है 40 वोल्ट। अब देखिए ये 8 शुरू कहां से है 100 से, एंड कहां है 40 अपॉन R, तो R बराबर 7.5 ओम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या है C दिया गया है, तो 44 का C इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए जी 45, तो 45 देखिए कैसे करना है, इफ क्यू ऑफ एन LC सर्किट इंक्रीज देन बैंडविड्थ, तो Q बराबर मैं बता रहा हूं आप लोगों को Q क्वालिटी फैक्टर, तो हम क्या रखते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां से ना, तो अगर बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा है क्वालिटी फैक्टर क्या इंक्रीज कर रहा है तो बैंडविड्थ डिक्रीज करेगा, तो 45 का क्या है बी। चलिए द इक्वलेंट कैपेसिटेंस, आपको इक्वलेंट कैपेसिटेंस बताना है, तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस 6 और 12, तो हम लोग क्या करेंगे 72 अपॉन 18 कितना आ जाएगा 4, और 8 और 4 12, तो सही उत्तर क्या है 12 माइक्रो फेरड। 47 देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए लेड एसिड सेल, तो कितना आता है 2.1 वोल्ट, लेड एसिड सेल का क्या रहेगा 2.1। अब देखिए डार्क करंट इन ए फोटोडायोड ड्यू टू, तो डार्क करंट किसके कारण होता है थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी के कारण होता है, डार्क करंट किसके कारण होता है थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी के कारण, किसके कारण है थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी के कारण। चलिए जी एन एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर कंटेन हाउ मेनी वैलेंस, तो कितने हैं 3, एक्सेप्टर मींस 3 और डोनर की बात करते तो 5। चलिए 50 द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर ऑलवेज एक्सप्रेस इन
एम्पियर, द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर, किस में होती है, एम्पियर में होती है। देखिए जी 51 को देखिए, 51 देखिए, व्हेन ए टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 आर कपल्ड थ्रू ए म्यूचुअल इंडक्टेंस M, आपको K बताना है, तो K बराबर M अंडर रूट L1 L2, तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पर है, तो देखिए क्या ऑप्शन बी इज करेक्ट, K बराबर M अंडर रूट L1 L2। क्वेश्चन नंबर 52 पर, तो 52 भी देखिए कितना आसान है, द कलर कोड ऑन ए कार्बन रजिस्टर, तो ये दिए हैं ग्रीन ब्लू येलो, लेकिन ये कमाल की चीज है नन दे दिया, तो नन में टॉलरेंस कितना, हाउ मच, 20%। और अगर हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड में कितना 5%, सिल्वर में कितना 10%, तो यही बस इंपॉर्टेंट है। 53 देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई टू, तो सुपरपोजिशन थ्योरम एसी और डीसी दोनों के लिए अप्लाई होता है। अरे बिंदास जवाब दे रहे हो आज आप लोग ना, दिल खुश कर दिया आज आप लोगों ने ना, बिंदास जवाब दे रहे हो, बस ऐसे ही लगा देना है, बस पूरी तरह से अपनी क्लास में ऐसे ही लगा देना है अपने आपको ना। चलिए यहां इस पर आ जाते हैं हम लोग, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर, 54 को बताइए, 54 क्या है हमारा, अट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टाइप। चलिए जी, द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए करंट इन ए फुल वेव रेक्टिफायर इज गिवन, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम देते हैं आईएम अपॉन रूट टू, आरएमएस की बात कर रहे हैं, आईएम अपॉन रूट टू हाफ वेव में क्या आता है, आईएम बाई टू। चलिए अब देखिए, विच इज नॉट द करेक्ट बुलन एक्सप्रेशन, सही कौन सा नहीं है, सही तो आपको देखिए ए प्लस ए बार बराबर क्या आता है, 1 आता है, लेकिन ये 0 लिख रहा है, तो यही इसका ऑप्शन है, ये सही नहीं है, ठीक है जी। चलिए 57, द फाइव फ्लैग इन 8085 आर डिजाइन, तो फाइव फ्लैग कौन कौन से हैं, 0 कैरी साइन पैरिटी एक्सिलरी, तो ये है हमारा 57 का ए, 57 का ए। इनको जो आप लोगों ने हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह अभी ना पढ़ा हो तो पढ़ के जाएं इनको, इन सवालों को एटलीस्ट देख कर जाएं। तो 57 का क्या है स्टूडेंट, ए। चलिए, डीसी सीरीज मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर, तो किसके लिए सुटेबल है, क्रेन्स के लिए, बिकॉज इट रिक्वायर्ड ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क, क्लियर, तो 58 का ए। 59 देखिए स्टूडेंट, 59 देखिए, तो ये क्या बन रहा है, ए बार बी बार, ये क्या है, ए बार बी, ये क्या है, ए बी, ये क्या बन रहा है, ए बी बार, ये क्या है, सी बार और सी, तो देखिए पहले अगर इसके लिए लिखें तो ए बार बी बार सी प्लस, इसके लिए लिखें ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार, तो ये जो पूरा का पूरा मैच कर रहा है ना, इससे ए बार, ये क्या ए एक्सोर बी एक्सोर सी, यानी कि इसका मतलब है फुल एडर, फुल एडर का एक्सप्रेशन, फुल एडर के लिए, तो 59 का क्या है डी। चलिए जी, ये बात कर रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 0 1 1 और 1 1 0, तो ये तो भाई 0 ही आ गई, 1 का 1 1 का 1 फिर से 0 मिल गया, 1 1 1 फिर से 0, तो 0 1 1 1 कितना 0, फिर 1 1 0 1, तो ये देख लीजिए कहाँ आपका मैच कर रहा है, 1 0 0 1 0, तो गुणा करवाया, बताओ यार जेई के पेपर में गुणा पूछ रहा है। 61, व्हेन द फ्लक्स पर पोल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज हाफ, तो E बराबर एन पी फाइव जेड अपॉन 68, तो फ्लक्स क्या कर दिया है आधा, ठीक है, और स्पीड क्या कर दिया डबल, यानी कि इसको 2 कर दिया और इसको बटे 2 कर दिया, अरे कैंसिल हो गया तो सेम रहेगा, तो क्या रहेगा, रिमेन द सेम, 61 का क्या है, रिमेन द सेम, 61 का उत्तर क्या मिलेगा, रिमेन्स द सेम, तो बढ़िया सवाल है बस। चलिए जी, ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के केस में जो डिप्लीशन लेयर है ना उसकी विड्थ बढ़ जाती है, तो ये नहीं होगा,
वेरी लो रेजिस्टेंस का मतलब है करंट पास हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा, लार्ज करंट फ्लो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है 62 का, बी करेक्ट, ऑलमोस्ट नो करंट, रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट नो करंट। 63, थ्री बुलन ऑपरेशन आर, तो कौन से भाई, नॉट और एंड, नॉट और एंड, ये हमारे तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ए टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन, क्या कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। यार ये सवाल आज चार बार करवा चुका मैंने, डीएमआरसी में दो बार आया, आज और तीन बार करवा चुका और यहां पर भी। चलिए 65, एक करंट सोर्स हैज, देखिए बच्चे की बात मैं बता दूं, अभी जो कह रहा था सर हाई और लो, तो क्या है एक करंट सोर्स हैज, तो करंट सोर्स के लिए इंपीडेंस क्या है, हाई इंटरनल इंपीडेंस शंटेड अक्रॉस द करंट सोर्स, पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है। तो 65 का स्टूडेंट ए। चलिए 65, इफ द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज इंक्रीज टू टाइम देन कैपेसिटेंस, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए अपॉन डी, तो जब ये टू टाइम हो गया तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज टू टाइम, तो जब ये दो गुना हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा। 67, विच वन इज द इंसुलेटिंग मटीरियल, कौन सा यार, पेपर। अब देख लो ऐसे ऐसे सवाल भी आए पेपर में, विच वन ऑफ द, विच वन इज द इंसुलेटिंग मटीरियल, क्या डी पेपर। 68, कितना है 400 केवी, बच्चे गलती ये करके आ रहे हैं ना, 400/11 करके आ रहे हैं, तो ये सवाल मैंने ऑलरेडी करवाया है, तो भाई उत्तर मिलेगा 400, ये लाइन वोल्टेज है कन्वर्टेड इनटू ए फेज वोल्टेज और डिवाइड बाय 11, क्योंकि हर एक डिस्क डिजाइन करते हैं 11 के लिए, तो जो सही उत्तर आएगा कितना, 22 से 23, 22 से 23 डिस्क रिक्वायर्ड होगी, बहुत बढ़िया सवाल है जी। फिर देखिए जी 69 पर, तो वो कह रहा है 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के लिए मोस्ट सुटेबल ट्रांसमिशन लाइन क्या हो, क्या होगी, तो जो सबसे ज्यादा हो भाई 66 है इसमें ऑप्शन, तो क्या यही है, ये हम यूज नहीं करते, ये जब 300-400 किलोमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं तो जितनी भी हाई वोल्टेज को हम ट्रांसमिट करें उतना बढ़िया है। 70 की बात करें, ए वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज सेड वेरी गुड कंडक्टिविटी, तो इसका मतलब वेरी गुड कंडक्टर, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वेरी गुड कंडक्टर। 71 देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है 71, ये कह रहा है कि इन द सर्किट शोन द स्विच ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, इसको हमने ओपन रखा और फिर हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया, तो करंट की बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है, तो फाइनली जब हम लोगों ने इसको ओपन रखा तो ये फुली हमारा ये क्या है, फुली चार्ज हो गया, इट मीन्स इट वर्क्स एज ए शॉर्ट, क्लियर शॉर्ट हो गया, और जब हमने इसको देखिए क्लोज कर रहे हैं तो भाई रजिस्टर के अक्रॉस तो कोई चार्ज वगैरह स्टोर होना नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में करंट बताना है, तो कितना आएगा 6 एम्पियर, 6/1 यानी कि 6 एम्पियर। चलिए जी 72 पर पहुंच गए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज हाई रिलायबिलिटी एंड नेग्लिजेबल मेंटेनेंस, तो इन सब में जो बेहतरीन है वो क्या है, SF6 सर्किट ब्रेकर, तो सबसे बढ़िया क्या है, हाई रिलायबल, यही है SF6 सर्किट ब्रेकर। 73 पर आ जाइए, टाइम डिले रिले इज एम्प्लॉयड फॉर, टाइम डिले मीन्स जिसमें टाइम डिले हो सकता हो, टाइम डिले, तो ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस, ये भी सही है, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग डेफिनेटली, ट्रैफिक सिग्नलिंग, यहां भी टाइम डिले हम लोग को रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो इस तरह की चीजों को तो भाई रट के जाओ। 74, द कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट मेजर्ड, अभी आपको मेजरमेंट की पूरी मैराथन क्लास में सब चीजें बताई है, तो किससे, ओम मीटर से करते हैं, द कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड बाई ओम मीटर। चलिए जी 75 देखिए, कंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो किसमें, मो पर मीटर, कंडक्टेंस किसमें मेजर करेंगे, मो पर मीटर। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल यूज एज मॉडरेटर, तो मॉडरेटर क्या यूज होता है, ग्रेफाइट, मॉडरेटर में क्या है, ग्रेफाइट। फिर यहां पर आ जाइए, ए थ्री फेज 440/50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर की स्लिप ये है, तो आपको रोटर की स्लिप बतानी है, तो एफ आर बराबर एस इन टू एफ 0.04 × 50, इसका मतलब 2 हर्ट्ज, तो उत्तर क्या मिलेगा 77 का, सी उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं,
अवेलेबल फॉलोइंग आरपीएम विच मोटर इज द कॉस्टलियस्ट, तो मैं बता दूं जो सबसे कम आरपीएम वाला होगा वो सबसे महंगा पड़ेगा। तो 78 का क्या है, ए 730 आरपीएम। आज बच्चे कह रहे होंगे सर की स्पीड बढ़ जाए भाई, क्योंकि आसान सवाल है यार, बस आपको सवाल दिखाना है, आप फटाफट से उत्तर बता रहे, यही तो है एक्सरसाइज, इसको ही तो कहते हैं क्विक रिविजन। 79 मोस्ट कॉमनली यूज वॉटमीटर, तो अभी बताया है क्या, डायनमोमीटर टाइप। इंडक्शन टाइप तो सिर्फ एसी को करेगा, एसी और डीसी दोनों को कर लेता है। चलिए जी, सेमेन इज यूनिट ऑफ किसकी, कंडक्टेंस के लिए है, सेमेन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस के लिए। 81 फ्रॉम द फॉलोइंग द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिव डिटरमाइन, तो यहां क्या एक्साइटेशन नहीं है, तो किससे, लोड से, क्लियर है, लोड से, अगर एक्साइटेशन होता तो गो फॉर द एक्साइटेशन। ये कह रहा है अल्टरनेटर ये डिटरमाइन बाय इट्स, डिटरमाइन किससे करते हैं, लोड से, लेकिन अगर हम लोग बात करते हो चेंज किससे कर सकते हैं, एक्साइटेशन। चलिए जी यहां जाइए, द पावर फैक्टर ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड कितना होता है भाई, 0.8 लैगिंग, अगर हम नो लोड की बात कर लें तो 0.2 लैग के आसपास होगा। 83 में बताना है आपको थ्री फेज पावर के हिसाब से क्या यूज करते हैं हम लोग, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज, ये भी आजकल फेवरेट बना हुआ है एग्जामिनर का, तो 83 का डी। चलिए 84 ट्रांसफॉर्मर है जो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल ओनली लीडिंग पावर फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पर। 85 पर द डिफ्लेक्शन ऑफ ए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, हीटिंग इफेक्ट पे कार्य करेगा, आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा, किसका, आरएमएस वैल्यू ऑफ ए एसी, क्लियर। 86 पर आ जाइए, द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, ऑलरेडी क्या है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये भी आज 2-3 बार आ चुका है। चलिए देखिए, ये सवाल ऑलरेडी मैंने एग्जांपल में कराया 500 हर्ट्ज, तो यहां आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इट कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। 87 द इनपुट ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग ए पावर फैक्टर कितना, ये केवीए कितना, ये पावर पूछा है, देखो भाई कॉस फाइ बराबर किलोवाट अपॉन केवीए, तो किलोवाट बराबर 0.8 इंटू 40, तो 832 किलो वॉट, तो उत्तर क्या है डी 32 किलो वॉट। देखो जी इस सवाल का जवाब क्या आएगा आपका, का जवाब दीजिए। अब देखो, अब मुझे ये बताइए कैसा फील आ रहा है सवालों के जवाब देकर, कुछ अच्छा फील आ रहा है कि नहीं, कैसा फील हो रहा है सवालों के जवाब देकर, आपसे कुछ पूछ रहा हूं, कमेंट में पढ़ रहा हूं मैं, अब ये बताइए कि कैसा फील आ रहा है सवालों के जवाब देकर। बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई सवालों के जवाब देकर, जल्दी जल्दी से दिमाग की एक्सरसाइज हो रही कि नहीं। बढ़िया, बहुत खूब, मस्त। अरे आवाज सही आ रही है यार मेरी आवाज, हो सकता है मेरे दांत वात में दर्द हो, मेरी आवाज थोड़ा सा अजीब लग रही हो आपको। वेरी गुड, खूब मजा आ रहा है ना, मस्त फील, वी फील प्राउड, बहुत अच्छा। ये चाहिए यार मुझे ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये एकदम सातवें आसमान पे होना चाहिए कंपटीशन में बस, और जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना, उस दिन आपके सामने कंपटीशन कुछ नहीं है भाई। तो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज बेटर देन हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन बिकॉज भाई एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस, ये बात तो सही है, एब्सेंस ऑफ स्किन इफेक्ट, ये बात भी सही है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन फिर ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 90 इस सवाल को सॉल्यूशन करिए आप ना, 90 को सॉल्यूशन करिए, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना आपका, आप 90 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 90, कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए, कॉन्फिडेंस ही चाहिए, अगर बच्चा अपने विश्वास के ऊपर सवार हो गया ना, तो वो खेलेगा कंपटीशन में जाके ना भाई, आराम से मस्ती में जवाब देगा वो, और जब तक वो डरा समय रहेगा तो तब तक दिक्कत है। रिफ्रेश्ड
ग्रेट कॉन्फिडेंस ए ए ए तो ये ऑलरेडी देखिए मैंने पढ़ाया है बेटा, वो पूछ रहा है द स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों फील्ड के बीच में कितना भैया बनता है ये जीरो, क्लियर है। फिर देखिए एंड स्पीड ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात कर रहे हैं रोटर की। अब देखिए इसके लिए ये पढ़ूंगा, ये रोटर बॉडी है, ये स्टेटर बॉडी है, तो स्टेटर बॉडी तो नहीं घूमती, तो जीरो आरपीएम पे स्टेटर फ्लक्स है, ये क्या है स्टेटर फ्लक्स है, किससे घूम रहा है एनएस से। फिर क्या है जी रोटर फ्लक्स है, किससे घूम रहा है एनएस। फिर क्या है रोटर बॉडी किससे एन, एक वहां से है परसों इंडिया का एक कोई बताता है कि एजुकेशन का नंबर वन चैनल है, एक वहां से इस पर पढ़ा रहे थे, तो उन सर ने मुझे तो पता नहीं क्या नाम है लेकिन उन वहाँ से का क्लास मैंने देखा, क्योंकि ज़रूरी होता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं भाई, उनसे आगे चलने के लिए ज़रूरी होता है, तो उन वहाँ से ने पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा बता दिया, क्लियर है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए यार हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए वो बात कर रहा है, अब पहले में तो जीरो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड एन एस माइनस एन जीरो हो गया, अब देखिए भाई वो बात कर रहा है रोटर स्पीड ऑफ रोटर मीन्स इसकी बात एन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ये, तो बेटा एन माइनस एन एस, क्लियर ना एन माइनस एन एस। अब देखिए अगर 5% स्लिप है, अगर 5% है तो नॉर्मली 6 पोल के लिए एन एस कितना सबको बताना यार 1000 आरपीएम, एन कितना जब 5% है 950 आरपीएम, तो यहाँ 950 माइनस 1000 यहाँ कितना आएगा माइनस के 50 आरपीएम, तो 90 का ए देखो ना मेरे बच्चों ने सवाल को देखते ही जवाब दिया है, स्टूडेंट ने देखते ही जवाब दिया है, केवी चौधरी जी कह रहे हैं कि वाईफाई स्टडी टेक नहीं पढ़ाते हैं। हाँ ये भी हो सकता है यार, क्या दिक्कत है, गलतियां हो सकती है। चलिए जी 91 देर आर नो स्टैंड बाई लॉसेज इन पावर प्लांट, तो ये अड़ा रहा आपने इस बात पे और इसने सही दिया है भैया डी, यूपीसीएल ने सही दिया है डी, अदरवाइज होना चाहिए था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। 92 द सैग ऑफ एन ओवरहेड लाइन इज अफेक्टेड बाई, तो बेटा इससे होता है कंडक्टर वेट पर यूनिट वॉल्यूम से होता है, स्पैन से होता है, बिल्कुल विंड प्रेशर एंड टेम्परेचर से होता है, तो सही उत्तर क्या 92 का डी ऑल ऑफ द अबव, अरे है कि नहीं 92 का डी ऑल ऑफ द अबव। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर डिपेंड ऑन द, किस पर करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पे करता है। 94 इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई वैल्यू, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए हाई वैल्यू यहाँ पर, तो 94 का ए फ्रीक्वेंसी। 95 लैंप इन स्ट्रीट लाइट आर कनेक्टेड इन पैरेलल में होना चाहिए। 96 देखिए जी ट्रांसमिटिंग पावर रिमेनिंग द सेम इफ सप्लाई वोल्टेज ऑफ ए डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूटर इज डबल सेविंग इन कॉपर विल बी, सेविंग इन कॉपर विल बी, तो देखिए डबल का मतलब है 1/V2, डबल का मतलब क्या है 1/V2, तो 1/V2 का मतलब है 1/V2 का मतलब है हम लोग डबल कर दिया यानी कि 4V2, तो कितना आएगा 1/4 का मतलब आएगा कितना 25%। 97 पर आ जाइए द इम्पीडेंस पर फेज, बहुत बढ़िया सवाल है स्टूडेंट, द इम्पीडेंस पर फेज ऑफ ए 3-phase ट्रांसमिशन लाइन बेस ऑफ 100 और ये कितना है जी 2 per unit है इनटू, आपको स्टूडेंट बताना है इस पर और इस पर, तो पुराने वाला पर यूनिट इनटू न्यू एमवीए, माय स्टूडेंट न्यू एमवीए 400 और पुराना कितना है 100 इनटू ओल्ड
इसका ओल्ड क्या है 100 का स्क्वायर अपॉन में न्यू का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखिए आपको सॉल्यूशन करके ये मिल गया भाई, 100 से 100 गायब हो गया, 400 से 400 गायब हो गया, इससे क्या मिला हमें 4 मिल गया, 2/4 यानी कि 0.5 पर यूनिट। 97 ऑलरेडी पावर सिस्टम में बड़ा डिटेल में पढ़ाया मैंने ये ना, पावर सिस्टम की मैराथन क्लास में सब चीज़ें डिस्कस की है। अरे की है कि नहीं भाई? डेफिनेटली देखो बच्चों ने एकदम जवाब दिया है, वेरी गुड। 98 तो ये भी मैंने लिखवाया आप लोगों को ना, ये सब चीजें मैंने लिखवाई है। कोरोना आल्सो एक्ट एज सेफ्टी वॉल्व, तो एप्लीकेशन में लिखवाया है मैंने ये, कोरोना आल्सो एक्ट एज सेफ्टी वॉल्व, ये लिखवाया है एप्लीकेशन में, लिखवाया है कि नहीं स्टूडेंट? जिन्होंने क्लास को देखा है डेफिनेटली लिखवाया है। 99 द बेसिक फंक्शन ऑफ ए रेक्टिफायर इज, अब देख लो ना कितना आसान है, किसमें बदल रहा है, कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। चलिए जी 100 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 100। अब देखो ना एक घंटे में, आज पहले आप लोगों की शिकायत ये थी कि सर एक घंटे में कम हुआ, आज एक घंटे में 100 सवाल किए हम लोगों ने पूरे 100। यस यस 99 का डी, 100 पर आ जाइए। हाँ ऑल्सो अजोर प्रोडक्शन लिखवाया मैंने, बिल्कुल आज जितने भी न्यू कमर्स है इनको समझाओ कि आते ही वीडियो को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है। आप लोगों में से कितने, जितने लोगों का भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, वो मैंने कल भी आप लोगों को एक टास्क दिया था मेरे नंबर पर 8057871234। अरे एक टीचर को और क्या चाहिए भाई, अपने स्टूडेंट का सिलेक्शन ही तो चाहिए, या आप लोगों से कोई फीस ले रहा है यार? तो 8057871234 इस नंबर पर अपना नेम और फोटोग्राफ भेजिए। क्लियर है? आ गया? हाँ अब देखो इस सवाल को पकड़ो आप ना कितनी जल्दी से कर सकते हो। आपने देखना है 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं हैं, 8 और 8 मल्टीप्लाई किया 64, 8 into 8 64, तो इट मीन्स बैलेंस। बैलेंस का मतलब इसे हटा दिया। क्लियर स्टूडेंट? 8 और 8 कितना 16, तो ऊपर हो गया 16, 8 और 8 नीचे भी 16 और नीचे 8 है, तो इनको पैरेलल में कितना मिला, यहाँ यहाँ कितना आ गया फिर 8 ओम, 8 और 8 पैरेलल में कितना मिल रहा है 8। तो सवालों को अब ये टाइम आ गया है कि अब बहुत ज्यादा लॉन्ग वे में करने की आदत मत बनाओ सवालों को। 4 ओम सर कितने बजे आप क्लास लेते हैं? आजकल तो छुट्टियां चल रही, मैं तो सुबह 8, 8:30 से शुरू हो जाता हूँ यार, कल ऑफ रखेंगे हम। तो ये हम लोगों को मिल गया, ये कौन सा था, अरे इसको बोल रहे हैं बच्चा कि, अरे ये बोल रहा है कि डबल कर दिया, तो जब डबल कर रहे हैं हम लोग 1/V² ना, जब हम लोग डबल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, एक चीज थोड़ा सा करेक्शन करा दूं मैं, एक मिनट जरा। चलो ये देखिए, ट्रांसमिटिंग पावर रिमेनिंग द सेम इफ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर, ये है डिस्ट्रीब्यूटर में, तो डिस्ट्रीब्यूटर में जो होता है ना 1/V होता है, ये मैंने सोचा ट्रांसमिशन में है, तो 1/V का मतलब है 1/2, डबल कर दिया तो अब कितने सेविंग होगी 50%, तो ये उत्तर हो जाएगा 96 का बी। अगर यही चीज ट्रांसमिशन में होती तो 25%। क्लियर है? अब देखो जल्दी जल्दी से यहां पहुंचिए, जल्दी जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन, ये सब चीजें आपने की है ना। आजकल तो छुट्टियों में 8:30 से 8 बजे से पढ़ा रहा हूं यार। देखो फटाफट से बोर्ड पे देखो और दिमाग को एकदम खुला रखो, अपने दिमाग और आंखों को एक्टिव रखो। सर आंसर नॉर्टन और थेविनन, सर एनालिसिस ऑफ वैक्यूम ट्यूब सर्किट विच थ्योरम इज यूज्ड, सर आंसर नॉर्टन और थेविनन प्लीज टेल सर। नहीं वैक्यूम ट्यूब पे तो हम लोग अप्लाई नहीं करते ना। 100 और अच्छा जल्दी से देखो यार, पहले यहां देखो बोर्ड पे देखना है और फटाफट से अपने दिमाग को एकदम ओपन रखना है, अपनी आंखों को ओपन रखना है, कभी नींद लेने लग जाओ। पहला सवाल देखा है, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम, सबको पता है वेरिएबल लॉस इक्वल टू ए, इन ए ट्रांसफार्मर थिकनेस किसके लिए, एडी करंट हो गया, व्हेन ए थ्री फेज सिस्टम इज बैलेंस्ड
क्या नो करंट फ्लो इन ए न्यूट्रल वायर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द ट्रांजिस्टर ऑपरेट, क्या क्विसिस्केंट पॉइंट, ए जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी फ्रॉम कॉइल कंबस्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या थर्मल पावर स्टेशन, फाइंड द पावर फैक्टर, तो क्या निकाला जेड, क्लियर है, आर अपॉन जेड क्या 0.6 लैगिंग आ गया, उसके बाद था यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इन एसी सीरीज सर्किट कितना वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो गया, उसके लिए डायग्राम देखना है, क्या डी मिल गया हम लोगों को, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय ए प्योर इंडक्टिव कितना जीरो, अपने दिमाग को ओपन रखना है, टेस्ला किसके लिए फ्लक्स डेंसिटी के लिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्लियर है, तो क्या कट मैग्नेटिक फ्लक्स, उत्तर क्या मिलेगा कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए मशीन, रिलेशन क्या एफ बराबर पी एन अपॉन 120 हर्ट्ज, इसके बाद देखिए कैपेसिटेंस सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ए डायनोमीटर वाटमीटर बोथ एसी एंड डीसी, कैपेसिटर यूज इन ए किसके लिए इंप्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क, देखिए फुल लोड तो क्या करेंगे आधे लोड के लिए 2500 को 4 से भाग देंगे 625 और 1500 एज इट इज यानी कि सी मिल जाएगा, 17 कितना मूविंग कॉइल में एडी करंट डैम्पिंग, 18 सॉल्यूशन करना बताया मैंने, इन ए ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉस मिलेगा, सेडेड लूप सेडेड पोल किसके लिए लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कैसे कैपेसिटर, स्टार्टिंग करंट ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिड्यूस टू सेव वैल्यू बाय इंक्लूडिंग ऑप्शन ए रजिस्टर इन ए रोटर सर्किट एट स्टैंड ऑफ स्टार्टिंग एट अल्टरनेटर, तो हम लोग क्या केवीए निकाल लेंगे यूनिटी पावर फैक्टर रखेंगे तो उत्तर मिल जाएगा सी 100 किलोवाट, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वॉटमीटर कंसिस्ट टू करंट कॉइल एंड वन प्रेशर कॉइल, फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड यूजिंग वेन ब्रिज, कन्वर्ट करना सिखाया आप लोगों को ऑलरेडी, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए कंट्रोल्ड डिवाइस, क्या करंट कंट्रोल्ड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब जब इक्वल टू रहता है आरटीएच बराबर आरएल, बुकोज रिले किसके लिए ट्रांसफॉर्मर के लिए, द फंक्शन ऑफ ऑयल किसके लिए इंसुलेशन कूलिंग के लिए, मैगर किसके लिए हाई रेजिस्टेंस, आपको पूछ रहा है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन क्या बनेगा 30 डिग्री आगे रहेगा, ब्रिज कैपेसिटेंस के लिए शेयरिंग ब्रिज, स्टैंडर्ड वायर गेज के लिए क्या 8 स्टैंडर्ड वायर गेज वायर, फिर फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में बदलेगा, एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ तो क्या उत्तर आ जाएगा 200 ओम, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, बैलेंस कंडीशन में तीनों को जोड़ देने अगर करंट को तो जीरो यानी कि बी मिल जाएगा, 38 रूट 3 वी एल आई एल रूट 3 वी एल आई एल कॉस फाई, द मोटर यूज इन ए मिक्सर ग्राइंडर यूनिवर्सल मोटर कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन डोमेस्टिक क्या वॉट आवर मीटर, द बेसिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अच्छा सर्किट ब्रेकर मेक और ब्रेक सर्किट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लो, तो क्या कह रहा है जीरो होना चाहिए, इन नॉर्टन नॉर्टन में आई एल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट, ये सवाल कैसे किया हम लोगों ने 7.5 उत्तर मिल गया हम लोगों को, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज बैंडविड्थ डिक्रीज 46 का आपको मिल जाएगा 12, उसके बाद 47 2.1 वोल्ट, डार्क करंट किस में होता है फोटोडायोड में होता है और ऑप्शन क्या है बी थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी करंट होता है, 49 आपको बताना है सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर में कितने बैलेंस कितने हैं 3 है, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर कितने एम्पियर में होती है, के बराबर एम अपॉन अंडर रूट L1 L2 से हो गया, नन के लिए टॉलरेंस 20 हो गया, सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई एसी और डीसी दोनों के लिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट किसना एट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप, आरएमएस वैल्यू कि आईएम अपॉन रूट 2 विच इज नॉट द करेक्ट बोलन एक्सप्रेशन, तो डी ए प्लस ए बार 1 होता है ये गलत हो गया, 5 फ्लैग क्या है जीरो क्या है आपका जीरो हो गया कैरी हो गया साइन पेरेटी एक्सिलरी ये हो गया आपका ना, डीसी सीरीज मोटर इज मोस्ट सुटेबल किसके लिए करेन के लिए, ये हमारा हो गया ए एक्सोर बी एक्सोर सी मल्टीप्लीकेशन आपने किया तो ऑप्शन ए मिल गया, तो ये जब कह रहा है फ्लक्स हमारा आधा हो जाए स्पीड डबल हो जाए तो वोल्टेज सेम बनी रहेगी, रिवर्स्ड बाइस पीएन जंक्शन हैज ऑलमोस्ट नो करंट, थ्री बुलन ऑपरेशन नोट और एंड, ए टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, करंट सोर्स हाई इंटरनल इंपेडेंस सेंटर्ड अक्रॉस द करंट सोर्स, इफ द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज्ड टू टाइम तो कैपेसिटेंस भी 2 गुना बढ़ जाएगा, विच वन इज द इंसुलेटिंग पेपर हो गया तो इसमें 2223 आपको मिल गया 400/√3 × 11 तो कितना मिल गया 2223 इसमें कितना मिल जाएगा 66, ए वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी वेरी गुड कंडक्टर इसका उत्तर 6 एम्पियर मिल जाएगा, ये आपको SF6 सर्किट ब्रेकर मिल जाएगा जो मोस्ट रिलायबल है, टाइम डिले रिले इज एम्प्लॉयड ऑल ऑफ द अबव, द कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक तो ओम मीटर से हो जाएगा, कंडक्टेंस मोह पर मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड इन मॉडरेटर ग्रेफाइट हो जाएगा,
4% स्लिप है यानी 2 हर्ट्स आ जाएगा। इसका उत्तर आपको 730 RPM, ये महंगा होगा। वॉटमीटर क्या है? मोस्ट कॉमनली डायनोमीटर है, 7 यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। फ्रॉम द फॉलोइंग द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेट डिटरमाइन, किससे लोड से द पावर फैक्टर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर है फुल लोड इन ईयर 2 0.8 लैगिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग द रेटेड वोल्टेज ऑफ ए फेज पावर सिस्टम विल बी गिवन, कैसे RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज। ए ट्रांसफॉर्मर हैज नेगेटिव, किस पे लीडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, कैसे RMS वैल्यू ऑफ AC, द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इस लाइन को क्या लॉन्ग लाइन कहेंगे। द इनपुट ऑफ ए AC तो आपको किलोवाट बताना है, तो 40 × 8 32 kW मिल जाएगा। 89 आपको क्या देगा ये D, 90 जीरो और माइनस 50 RPM, 91 आपका तो ये डीजल पावर प्लांट हो गया। 92 द सैग ऑफ एन ओवरहेड लाइन इज अफेक्टेड, किससे सबसे होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज यानी कि C। 94 आपका फ्रीक्वेंसी, 95 आपका पैरेलल, 96 आपका 50%, 97.5 पर यूनिट मिला, 98 आपका सेफ्टी वॉल्व हो गया, 99 में रेक्टिफायर का बेसिक फंक्शन कन्वर्ट AC इनटू DC, 100 का आपका 4 ओम। तो बेटा ये सवाल थे हमारे 100 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ से आगे हम लोग देखें एक और क्लास आज कंडक्ट करने वाले हैं। अरे बढ़िया लगा, देखा ना 100 सवालों को कैसे किया आप लोगों ने एक घंटे में। तो नेक्स्ट क्लास को बेटा हम लोग लेने वाले हैं अभी 2-4 मिनट का, आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए थोड़ा, मैं भी चाय वाय पी लेता हूँ। 2-4 मिनट में शुरू करने वाले हैं हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 2 को। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।